तो भैया आज का सवाल ये है कि प्रभास की जो मूवी आ रही है सलार, उसको बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं, 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और 2 मिलियन व्यूज से ऊपर इसके लाइक्स आए हैं। और ये कहानी है आज सुबह की जब मैंने चेक करा, उसके बाद मैंने चेक भी नहीं किया। अब मुद्दा ये हो जाता है कि इसके बाद जो होती है थोड़ी फैन वॉर्स भी शुरू हो जाती है, थोड़ी थ्योरी शुरू हो जाती है कि अब जवान का क्या होगा। जवान जैसी मूवी है जो इससे पहले आ रही है और उसका भी जो एंटिसिपेशन है खूब सारा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैन इट ब्रेक रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय प्रभास की सलार। क्वेश्चन ये है, देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे ही आपके पास एक स्टॉर्म आएगा और वो जो स्टॉर्म होगा जवान के ट्रेलर का होगा, 12 तारीख को आएगा और ये पहले थिएटर्स में रिलीज होगा, उसकी एक कॉपी रिलीज होगी और एक उसका फर्दर जिसे कहते हैं हैंड हेल्ड कॉपी बन जाएगी वहां पर थिएटर के अंदर जब मिशन इम्पॉसिबल के साथ ही आएगा और फिर वो लीक हो जाएगा, साथ ही साथ में फिर ओरिजिनल वर्जन प्रॉपर तरीके से HD वर्जन रेड चिलीज के चैनल के ऊपर रिलीज होगा। ये सब एंटिसिपेशन बहुत सारी हो रही होगी और एंटिसिपेशन के बाद ये 100 करोड़ रुपये का 100 मिलियन जो व्यूज का जो आंकड़ा है वो शायद नहीं क्रॉस हो पाएगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह से बड़ी सिंपल सी है। देखो ये जो सलार के व्यूज देख रहे हो ये नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बहुत हद तक 50% से भी ज्यादा डाउन साउथ से आए हैं और डाउन साउथ में जो फैन फॉलोइंग है, प्रशांत नील की ले लीजिए, प्रभास की ले लीजिए या फिर KGF फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट पार्ट को देखने की एंटिसिपेशन ले लीजिए, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब कभी भी कोई हिंदी मूवी आती है उसका अभी तक ऐसा देखा गया है कि कोई ज्यादा रुझान जो है वो नीचे दिखता नहीं है। पठान जो 1000 करोड़ रुपए कर गई वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाई डाउन साउथ, तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि ये अगर पैन इंडिया तरीके से इसके नंबर्स नहीं आए तो कैसा होगा। प्लस साइड ये है कि अगर हम स्टार्स की बात करें तो शाहरुख खान एक इस तरीके का स्टार है जो लिटरली कनेक्ट तो पूरे इंडिया के अंदर करता है, इंडिया से बाहर भी अगर किसी एक्टर को कोई सबसे ज्यादा पहचानता है तो वो शायद आज की डेट में शाहरुख खान है। दूसरा यहाँ पर अनिरुद्ध का म्यूजिक है जो कि बहुत ज्यादा तारीफें बटोर रहा है, सेंसर बोर्ड से कुछ कुछ लीक्स आ गए हैं वहां पर बहुत ज्यादा इसकी तारीफें हो रही हैं। तीसरा एक एलिमेंट ये भी है कि जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है यहाँ पर और जिस इंसान ने यहाँ पर क्रिएट किया है वो साउथ से खुद है, जो डायरेक्टर साहब है इसके, तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्टर भी साउथ के हैं तो शायद ऐसा हो कि कुछ अट्रैक्शन आ जाए। तीसरी बात जो चौथी बात जो थोड़ी सी डाउन साइड यहाँ पर जाती है कि कोई बहुत ज़्यादा अलग तरीके की प्रमोशन नहीं करी गई है ताकि इसका एक नेशनल लेवल का क्रेज बन पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करी जाती है जिससे समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें क्या करें। और जैसे हमने साउथ के अंदर देखा था चिरंजीवी की जब मूवी आती है गॉडफादर, तो कोई और एक्टर हिंदी सिनेमा का जैसे सलमान खान को ले लिया गया था तो कुछ क्रॉस प्रमोशन वगैरह शुरू हो गई थी, ऐसा कोई प्रमोशन यहाँ पर हो नहीं रहा है कि कोई साउथ का कोई एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके की तारीफें कर रहा हो जवान की, बहुत एंटिसिपेशन की बात कर रहा हो, किसी और की भी ब्लेसिंग्स आ गई हो। और ये कार्यक्रम हमने होता हुआ देखा था जब राजामौली साहब भी आ गए थे प्रमोट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को। आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी सिनेमा में जब ब्रह्मास्त्र आ रही थी तो राजामौली साहब आए थे प्रमोट करने के लिए उसको, तो थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है उससे, हालांकि तब भी साउथ में बहुत ज़्यादा नंबर्स ब्रह्मास्त्र नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है हिस्ट्री को देख के, बट शाहरुख खान का ऑरा इस तरीके के वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज कर देता है, कुछ नए ही कुछ लेके आ जाता है। तो लेट्स होप कि जब ये मूवी का ट्रेलर आए 12th को तो एक ऐसा लेके आए जो कि अनबीटेबल टाइप हो और इंडिया को ये ट्रूली कनेक्ट कर दे ताकि हर तरीके के लोग जो हैं वो कनेक्ट होके एक मूवी को हिट बनाने की कोशिश करें या फिर इक्वल प्यार मिले इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टर। जैसे कि हिंदी सिनेमा में मोटा मोटी आई वुड से बेल्ट में होना शुरू हो गया, वो अब आजकल एक्टर कम देखते हैं, स्टोरी ज़्यादा देखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखते हैं और फिर जो भी अच्छा लगता है फिर उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट साउथ में ज़्यादा रुझान तब आता है जब कोई उनका बहुत ही पसंदीदा जो स्टार होता है वो होता है उसके अंदर मूवी के अंदर, तब वो ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं। आपको क्या लगता है 100 करोड़ का आंकड़ा जो है ये 101 तो हो गया था सुबह के सुबह व्यूज का जो सलार ने अपना रिकॉर्ड बनाया है, वो ब्रेक कर पाएगा जवान के नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ लोग जो होंगे वो फैंस जो होते हैं वो थोड़े से कई बारी अजीब सी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कमेंट्स में, तो वो हम डिलीट कर देते हैं, तो थोड़ा सभ्यता के बारे में लॉजिक के साथ जरूर कमेंट करना। बाय बाय।